वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अहमदाबाद में 1200 बेड्स फुल, अस्पताल के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीज। कोरोना वायरस अब अपने प्रचंड रूप में है। देश के कोने कोने में कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से हाल बेहाल है, क्योंकि अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में 1200 बेड्स फुल हो चुके हैं। मरीजों की अस्पताल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है और वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हालातों में अस्पताल और डॉक्टर्स पर बोझ बढ़ता जा रहा है। मरीजों से भरी एम्बुलेंस कतारों के साथ बाहर खड़ी है और अंदर कब कोई बेड खाली हो, हर कोई इसी इंतजार में है। अस्पताल में बेड्स फुल होने के कारण वेटिंग पर खड़े मरीजों को बाहर एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन और बाकी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। गुजरात में कोरोना की जहरीली हवा बहुत तेजी से फैल रही है। बीते दिन गुजरात में 6021 नए केस सामने आए हैं और 55 लोगों की मौत। अहमदाबाद ही नहीं बल्कि राजकोट, सूरत जैसे शहरों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पतालों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे हालातों को देख गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की रूपाणी सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन की गुजरात में भारी कमी हो गई है, जो कि कोरोना की जंग में कोरोना को मात देने के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार से हाईकोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में इतने इंजेक्शन आते हैं तो जाते कहाँ हैं, और यह भी कहा कि भाई सरकार तो सिर्फ राम भरोसे ही बैठी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।